बिहार में तबाही का मंजर, नेपाल की एक गलती से डूबेगा बिहार। गांव छोड़ फरार हुए ग्रामीण, हर तरफ पानी ही पानी। 60 सालों बाद बाढ़ बना खौफनाक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नेपाल के तराई और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से राज्य के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक 6.8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। नदी में इतना पानी 56 साल बाद आया है। यह 1968 में नदी के सबसे अधिक फ्लो से सिर्फ 1 लाख क्यूसेक कम है। पानी के दबाव को देखते हुए बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी बराज से 12 बजे तक 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,39,000 पानी डिस्चार्ज हो रहा है। शाम तक 5,93,000 पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यहां 21 साल पहले इतना पानी आया था। यह 2003 के फ्लो लेवल से थोड़ा ही कम है। दोनों नदियों में पानी शुक्रवार को ही बढ़ गया। गंडक बराज से सुबह 1 बजे तक 4.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। कोसी और गंडक में पानी का फ्लो बढ़ने के बाद बिहार के 4 जिले सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात देखकर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने शुक्रवार को सभी अधिकारियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। 630 किलोमीटर लंबी गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा के पास से निकलती है और मस्तंग क्षेत्र से होते हुए नेपाल में आती है। नेपाल में इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। यहाँ काली और त्रिशूला नदियाँ इससे मिलती हैं। दो सहायक नदी सोनभद्र और तमसा इसमें मिलती हैं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ से भारत नेपाल सीमा को पार करती हुई नदी बिहार के वाल्मीकि नगर पहुँचती है। भारत में इसे गंडक कहा जाता है। 1959 में भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत वाल्मीकि नगर बराज में निर्माण की नींव रखी गई थी। 5 अक्टूबर 1968 को इससे रिकॉर्ड पानी आया था और तब इसका लेवल 7.88 लाख क्यूसेक हो गया था। तब तक बराज का निर्माण नहीं हुआ। करीब 11 साल बाद 1970 में गंडक बराज बनकर तैयार हुआ। बराज के 4 नहरें तिरहुत कैनाल, दून कैनाल और त्रिवेणी निकली, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। गंडक नदी का लेवल 31 जुलाई 2003 को 6.39 लाख क्यूसेक पर पहुंच गया। तब गंडक नदी में भारी तबाही मचाई गई थी। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। पश्चिम पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा के कुछ इलाके प्रभावित होते हैं। 31 जुलाई 2003, जिसमें गंडक नदी लगभग 6,39,750 क्यूसेक पानी आया था। 28 सितंबर 2024 6 लाख क्यूसेक पानी अब इसमें आ चुका है। वही हाल कोसी बराज का है, जो 1968 5 अक्टूबर को 7.88 लाख करीब में क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वही स्थिति 28 सितंबर 2024 को देखा जाए तो 6,81,000 क्यूसेक छोड़ा जा चुका है। नेपाल के कोसी बराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से जो सुपौल और आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कई जगहों में सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुसने की वजह से पूरे तरीके से कामकाज पर असर पड़ गया है। रक्सौल में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बैंक में पानी घुस गया है और उससे कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों के घर में भी पानी घुसने की वजह से त्राही त्राही हो गया है। इस तरीके से बाढ़ लगभग 60 सालों के बाद बिहार में प्रवेश कर रहा है और सुपौल में तटबंध का जायजा लेने अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। सुपौल के तिलियुगा नदी में उफान पर है। तिलियुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को जोड़ने वाली निर्मली कुनौली नेपाल रोड पर डगमारा के पास लोहा पुल पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। पुल पर पानी के तेज बहाव के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करते दिख रहे हैं। इस तरीके से जो कोसी बराज की फाटकें हैं वो एक साथ खोले जाने की वजह से पूरे बिहार के जो तटबंधीय इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, उसमें लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है और फिर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि 60 सालों के बाद बिहार एक बार फिर से अधिक आबादी में डूबने को मजबूर है।
हालांकि सरकार और अधिकारी इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैसे लोगों को उचले स्तर पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया जाए। ऐसे रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार कर दिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि सरकार इसे कैसे हैंडल करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।